टू अ न्यू वीडियो। तो आज है तारीख 4th of January और शाम के बजे हैं 5:30। सॉरी फॉर देट, आज थोड़ा वीडियो लेट आया है क्योंकि थोड़ा सुबह काम था, वो सीवी लेने के लिए जाना था। वहाँ पे जो अपना वो डांडी निकाल रहे हैं तो ऊंचा पड़ रहा था, तो नया सीढ़ी बनवाया, वो भी वीडियो शूट नहीं कर सका। मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा कौन सा सीढ़ी हमने नया लिया है। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे वाल के पास, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो दो हैं, दो लाइन है, ये हमने इसमें स्प्रे नहीं किया है, वो इग्निटर्स, एक ये एक में दो लाइन है, एक और दो, यानी कि चार लाइन हुई। ये चार लाइन में हमने देखो निशान मार दिया, वो जो लकड़ियाँ मार दी है, तो बाकी सब में स्प्रे किया है, इसमें नहीं किया है दो में। तो इसमें शायद मुझे लगता है ये लकड़ियाँ तो निकल जाएगी और कुछ निशान करना पड़ेगा, तो वो पहले कर देते हैं, बाद में वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये दो लकड़ियाँ मुझे काटनी पड़ेगी, इसमें से छोटी छोटी करके मैं ये कर दूँगा इसको, तो क्या है वो निकल ना जाए इसलिए। तो इधर ये दोनों लगा दिया है, एक ये रहा और एक वो रहा। फिर भी ये दूसरा निशान है, ये पाइप है, इसके सीध में एक लाइन है और इसके ईस्टर्न पार्ट में है, तो ये दोनों लग चुके हैं। और वहाँ पे पानी चल रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरा। मस्त हो गया है, पहले तो ऐसा लगता था, आगे के वीडियो में दिखा होगा आपने कि कैसे थे ये सभी प्लांट्स, अभी मस्त हो गए हैं। पानी और यूरिया वूरिया सब डाल के अच्छा कर दिया है। तो अभी इधर पानी चल रहा है, देखिए ये क्या, बीच में जो बारिश के कारण जो पाले सब टूट गए थे, तो दोनों में साथ में जा रहा है, दिखा दूँगा आपको, देखिए दोनों साथ में जा रहा है। तभी इतना पोर्शन बाकी है, वो शायद कल हो जाएगा, उसके बाद ये ऊपर वाला पोर्शन चलेंगे। इससे पहले वहाँ पे हमको डालना पानी चलाना है मैंगो प्लांट्स जो नए हैं उसमें, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उधर कलम वाले के पास जाना है। क्या मैं आपको दिखाता हूँ आगे कौन सा जो मैंने बड़ा सा सीढ़ी लिया है वो भी दिखाऊँगा। दोस्तों अभी इसमें हमने जो DAP वाला बोला था वो डाल दिया है, इधर दिखाता हूँ आपको। ये रहा देखिए, ये रहा DAP 50-50 ग्राम डाला है इसमें, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ बढ़ जाए इसलिए। अभी वहाँ लास्ट तक पहुँचे, आज पूरा हो जाएगा आधे घंटे घंटे में, वो भी काम ख़त्म। इसके बाद ये सब घास निकालने का बाकी है, ये सब देखिए, ये रहा, ये सभी है वो निकाल देंगे, उधर है सभी जगहों पे। मैं आपको सीढ़ी दिखाता हूँ जो बनवाया है हमने, वहाँ पे होगा तो दिखाता हूँ, वरना वो लोग वहाँ पे ले गए होंगे, और किसी भी में दिखाऊँगा, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो शायद यहीं पे पड़ा है। दोस्तों तो ये रहा सीढ़ी, पूरा नया बनाया, पूरा इधर से खुल जाता, पहले तो सीधा था ये, ऐसा ही था, लेकिन हमने बोला इसको थोड़ा नीचे से वो चाहिए, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाया। चलिए तो चलते हैं उस वाड़ी पे, इसके बाद ये ब्लॉग थोड़ा छोटा है लेकिन देखेंगे क्या होता है, थोड़ा कंटेंट मिलेगा तो शूट करेंगे, नहीं तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए उस वाड़ी पे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी कल का वीडियो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, कल थोड़ा टाइम नहीं मिला तो हमने ब्लॉग शूट नहीं किया, फिर रात को वहाँ पर भी काम था इसलिए। तो अभी हम आ गए वाड़ी पर, वहाँ पे हमारी जो कलम है वहाँ पे पानी देना चालू है, और यहाँ पे कॉटन के लिए भी 3 लेबर एक्स्ट्रा आए हैं, और चौथा तो हमारे इधर से एक है, तो 4 लेबर वहाँ पे कॉटन हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे वो निकाल के रोटावेटर चला के वहाँ पे सनफ्लावर क्रॉप कर देंगे हम वहाँ पे, तो वो भी 2-3 महीने में हो जाए। अभी क्या कॉटन में ज़्यादा दम नहीं है तो उसको हम निकालेंगे,
ये एक बार सभी कॉटन को निकाल लें एक बार, तो फिर बाद में हो जाएगा। और यहाँ पे जो लीवर बीन्स में पानी चालू, वो जो आपको नीम का पेड़ दिख रहा है उससे आगे तक हो गया है पानी, तो ये आज शाम तक हो जाएगा पूरा। तो फिर वहाँ पे हमारे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे चालू करेंगे, वहाँ पे लेबर लगे हुए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। और ये हमारा सल्फर का पड़ा है पैकेट, सरदार का 90% वाला सल्फर जो आता है वो है इसमें। फिर शाम को हम चलेंगे, शाम को तो नहीं, दोपहर के बाद। ये देखिए वाइट वाटर है, वो देखिए 3-4 लेवल है, कितने हैं, 6 पपीज़। बहुत परेशान कर रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी तक। यहाँ पे सब चीज़ें उथल पुथल कर देते हैं। तो ये है मैंगो प्लांट्स हमारे, इसमें पानी चलाना है दोपहर को, फिर बाद में वहाँ पे चालू करेंगे, पहले इसमें चला देंगे पानी पूरा। ये देखिए मुझे वहाँ से थैलियाँ लानी है, तो वो मैं ला के देता हूँ इसको। वहाँ से थैलियाँ पड़ी हैं कलम वाले की, तो वो लेके आता हूँ और यहाँ पे लेबर को दे देता हूँ, क्योंकि इसको कॉटन साफ करने के काम आए। आज थोड़ा ठंड बढ़ गया है, 10 डिग्री पहुंच गया है यहाँ पे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, तो थोड़ा हालत ख़राब हो गया है। सुबह आया मैं सब ये मफलर बांध के पूरा ऐसे आया था, हाथ में हैंड ग्लव्स भी थे कॉटन के। तो चलिए मैं इसको थैलियाँ दे के आता हूँ। तो अभी मैं चल के थोड़ा थक गया हूँ, इधर बैठा हूँ आराम करने के लिए। ये देखिए ठंड बढ़ गई यहाँ पे, ये जलाना पड़ता है कचरा, और इसको गुजराती में हम तापनी बोलते हैं, तापनी करनी पड़ती है। अभी सभी लेबर यहाँ पे कोई नहीं है, चले गए काम करने के लिए। चले हम पानी पी के फिर बाद में वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने पानी पी लिया है, पूरा तालिबान स्टाइल। देखिए कैसा लग रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा मुझे, तो रोज ऐसे पगड़ी बांधूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ पे जाएंगे थोड़ी देर के बाद, आम में कितना वो हुआ सनफ्लावर का, कितना वो बीज उसका निकला है वो देखने के लिए। चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों हम आ गए इस वाड़ी पे, कैसा लग रहा हूँ, अल हबीबी। तो अभी ये वाड़ी पे आ गया हूँ, ये हमारा ड्रिप का सेटअप है, और उधर हमारे भाई का ड्रिप का सेटअप है। यह है लीमा बीन्स, वो हमारे राज भाई। आज ठंड बहुत ज़्यादा आपको लगा होगा, क्या लोग गेटअप किया हुआ है, ठंड ज़्यादा है तो सब कुछ करना पड़ता है। वैसे तो अभी थोड़ा 11 बजा है, थोड़ा ठंड कम हुआ है, लेकिन रोज से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अभी ये ओपन पिट में पानी जा रहा है, उधर कांदा उसमें जा रहा है पानी, और बाजू में राई है, और ये हमारा फिल्टर टैंक, यहाँ से फिल्टर होकर पानी उसमें जाता है। ये देखिए काकड़ी पूरी लाल हो चुकी है, वो सब कचरा है, उससे जो निकलता है वो यहाँ पे स्टोरेज टैंक में आता है, उसके बाद यहाँ पे जाता है, फिर जो मोटर से अंदर चला जाता है। 3 HP का मोटर लगा हुआ है अंदर, ये रूम में इसका वाटर फ्रिज है, और ये है ड्रैगन फ्रूट, ये कंट्रोल है वाल पूरा ड्रिप का। एक ये है इस तरफ के पोर्शन का, और दूसरा वो है उस तरफ के पोर्शन का, दोनों बारी बारी जाते हैं।
क्योंकि ये इसमें जो लगे हुए हैं हीपर्स वो 8 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी थ्रो करते हैं। अभी जा रहे हैं, देखिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा खोल दिया है तो पानी से टूट जाता है। हेलो दोस्तों, वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो अभी मैं वाड़ी पे आ गया हूँ इधर, और थोड़ा सल्फर भी लेके आया हूँ, नया वाला पूरा 20 किलो का बोरी है, वो वहाँ पे रखा है, कल उसमें डालेंगे अपने नए प्लांट से भी उसमें। और अभी इसमें पानी चालू किया है, वो तो ख़त्म हो गया नीचे वाला पोर्शन, पहले इसमें जाएगा फिर बाद में यहाँ पे जाएगा, और ये पूरा जितना आज तक हो सके उतना करेंगे, फिर बाद में कल उसमें पानी चलाएंगे वो वाले मैंगो प्लांट्स में। और उसके बाद इधर जो मैंगो प्लांट्स है उसके बीच में जो हमने सनफ्लावर का क्रॉपिंग किया है उसमें पानी चलाएंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ लाइक करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय।